अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम फेसबुक से डिलीटेड मैसेजेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। यूट्यूब पर और भी बहुत सी वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको एक फेक तरीका बताते हैं। इस वीडियो में हम उस वीडियो की असलियत भी बताएंगे, इसके अलावा हम और भी पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे कि आप किस किस वे से आप मैसेजेस को रिकवर कर सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फेसबुक के मैसेजेस को रिकवर करने के लिए बेसिकली हम थ्री मेथड्स यूज़ किया करते थे, जिनमें से अभी दो मेथड्स जो हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते। उनमें से पहला है हमारे पास ईमेल्स। पहले ये होता था कि हमारे पास जब भी मैसेज आता था तो हम उसमें फेसबुक के अंदर ऑप्शन होता था कि हम नोटिफिकेशन ऑन करके तो एक मैसेज की कॉपी हमारी ईमेल में भी सेंड कर दी जाती थी, तो हम वहाँ से वो मैसेज देख सकते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब फॉर एग्जांपल इस बंदे ने मुझे मैसेज सेंड किया है, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन मैसेंजर, मींस कि अब मुझे फेसबुक के अकाउंट में ही जाना पड़ेगा इस मैसेज को रीड करने के लिए। पहले ये होता था कि यहीं पे ही मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाता था और हम यहीं पे ही पढ़ सकते थे उस मैसेज को, लेकिन अब ये है कि अब हमें मैसेंजर में जाना पड़ेगा। मीन्स कि हम जब इसको क्लिक करेंगे, अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो सेम वही इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे हमारे मैसेजेस ऑलरेडी डिलीटेड होंगे, तो हम इस वे से मैसेजेस को अब रिकवर नहीं कर सकते। जो सेकंड वे था, इसमें हम ये था कि इसमें भी सेम यही थी कि एक मैसेज की कॉपी हमें टेक्स्ट भी कर दी जाती थी कि आपको एक फलां बंदे ने मैसेज किया है, तो और वही मैसेज हमारे फेसबुक अकाउंट पे भी आता था। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फेसबुक अकाउंट से वो मैसेज डिलीट भी हो जाता था, तो हमारे पास एक कॉपी जो हमारे टेक्स्ट मैसेज में मौजूद होती थी, हम उसको यूज़ कर सकते थे कि एज अ प्रूफ कि हमारे पास ये मैसेज आया था, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक नंबर से आता था फेसबुक के कोड से, तो हम उसको वेरीफाई कर सकते थे कि ये फेसबुक का ही मैसेज है। तो अब फेसबुक की पॉलिसी के मुताबिक वो हमें मैसेजेस टेक्स्ट मैसेजेस नहीं करते, मीन्स कि वहाँ पे हमें वो टेक्स्ट पे मैसेज नहीं करते। अब हमारे पास आता है थर्ड वे, क्रिएट बैकअप ऑफ अकाउंट। ये वाला मेथड जो है ये इंटरनेट पे एक रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसको भी आपको समझाएंगे कि असल में ये मेथड है क्या और इसके ज़रिए से हम मैसेजेस को कैसे रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आपको इस कन्वर्सेशन में कुछ मैसेजेस रीड करके आपको रिकवर करके बताऊंगा कि हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। मैं यहाँ से लास्ट थ्री मैसेजेस रीड करूँगा, बट इससे पहले होता यह है कि जो हमारे पास ये थर्ड ट्रिक है, इसमें हम मैसेज रीड करने से पहले एक उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर फेसबुक डाटा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार्ट माई आर्काइव, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसमें लिखा है व्हाट्स इंक्लूडेड, पोस्ट, फोटोज, वीडियोस यू हैव शेयर्ड, योर मैसेजेस एंड चैट कन्वर्सेशंस। अब जो आपको इंटरनेट पे वो लोग वीडियोस दिखाते हैं, आपको मैसेजेस रिकवर करके दिखाते हैं, वो एक्चुअली करते ये हैं कि वो मैसेज डिलीट करने से पहले वो एक बैकअप क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद आपको मैसेजेस डिलीट करके आपको एक और बैकअप क्रिएट करते हैं आपके सामने। लेकिन जो आपको वो बैकअप दिखाते हैं, वो उन्होंने उस मैसेज को डिलीट करने से पहले क्रिएट किया होता है। स्टार्ट माई आर्काइव पे आपने क्लिक करना है, आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है, उसके बाद हमने स्टार्ट माय आर्काइव पे क्लिक करना है। वी आर गेटिंग योर इंफॉर्मेशन एंड विल सेंड एन ईमेल टू दिस ईमेल व्हेन इट्स रेडी फॉर डाउनलोड। ओके, अब हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमारी ईमेल है उसमें हमें हमारे फेसबुक अकाउंट की एक कॉपी सेंड कर दी जाएगी, जिसमें हमारे पास ये चीज़ें इंक्लूड होंगी।
मैं अपनी ईमेल ओपन करता हूँ। इस ईमेल के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास ये एक फेसबुक डाउनलोड रिक्वेस्टेड, ये सोशल सेक्शन में जाना है आपने। आप अगर आप कोई और ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसमें चेक कर लें, आप जंक फोल्डर के अंदर आप इस तरह की ईमेल्स चेक कर लें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फेसबुक डाउनलोड रिक्वेस्ट। यहाँ पे उन्होंने हमें एक लिंक दिया है, लर्न व्हाट डाटा मे बी इन योर डाउनलोड, वी ऑलरेडी नो, ठीक है, हमें पता है कि हमारे इस बैकअप में कौन कौन सा डाटा होगा। इसके बाद है, इफ़ यू डिड नॉट रिक्वेस्ट अ डाउनलोड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन योर अकाउंट मे बी कम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, यू रिसेंटली रिक्वेस्ट योर कॉपी ऑफ डाटा, ठीक है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम थोड़ी ही देर में आपको आपके अकाउंट का जो डाटा है वो सेंड कर देंगे, उसकी कॉपी। तो मींस वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी और ने ये रिकवरी इनिशिएट की है, मींस कि आपके फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड किसी और बंदे के पास है, उसके पास ज़रूरी नहीं कि आपकी ईमेल का पासवर्ड भी हो। तो आपके पास ये ईमेल आपकी ईमेल के अंदर आई है, तो आप यहाँ से इस रिक्वेस्ट को आप कैंसिल भी कर सकते हैं, मींस कि आप यहाँ से इस अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अगर आपने ये रिक्वेस्ट नहीं की, मींस कि वो जो रिक्वेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका अकाउंट जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, मींस उसकी एक्सेस, उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी। अब हमें थोड़ा देर वेट करना है। ये हमारे पास फेसबुक डाटा की कॉपी की ईमेल आ चुकी है, ये 5 मिनट्स के अंदर अंदर आ गई है। अब यहाँ पे योर रिसेंटली रिक्वेस्ट अ कॉपी ऑफ योर फेसबुक डाटा, इट्स नाउ रेडी फॉर यू टू डाउनलोड। ये हमारे पास लिंक है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी। और यहाँ पे मैं इस लिंक से डाउनलोड कर सकता हूँ, क्लिक डाउनलोड आर्काइव। इसके बाद मुझे फिर से मुझे अपने फेसबुक का पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद आप इस कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। ये हमारे पास डाउनलोड हो रही है। आपके पास जब ये कॉपी डाउनलोड हो जाए तो आपने इस जिप फाइल को ओपन करना है, राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करें। इसके बाद आपने इन सब आइटम्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सी ड्राइव में या किसी भी अपने ड्राइव में जाकर एक फोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर वो चीज़ जो आपने कॉपी की थी वो आपने पेस्ट कर देना है। कॉपी होने के बाद इसमें हमारे पास ये हमारी वीडियोस जो हमने टाइमलाइन पे शेयर की होती हैं वो वाली वीडियोस हैं। इसके बाद ये हमारे पास फोटोज़ होती हैं जो हमने वहाँ पे ईयर वाइज कुछ समथिंग शेयर की होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास HTML, और HTML में हमारे पास लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स है। आप यहाँ पर ये सारे फ्रेंड्स की लिस्ट देख सकते हैं, ये हमारे पास सब फ्रेंड्स की लिस्ट है। ये हमने जो फ्रेंड रिक्वेस्ट रिसीव की हैं वो हैं हमारे पास। ये हमने डिलीट फ्रेंड रिक्वेस्ट हैं, रिमूव्ड जिनको हमने ऐड करके रिमूव किया है वो फ्रेंड्स हैं। इसके बाद फॉलोअर्स कौन कौन से हैं हमारे, वो फॉलोअर्स। और चलें हम देखते हैं मैसेजेस की बारी। मैसेजेस के इस पे क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेजेस गिवन हैं और
ये मैसेजेस की कॉपी गिवन है, आप ये सॉर्टेड नहीं है। इसके अंदर हमारे तमाम मैसेजेस गिवन होते हैं जो भी हमने सेंड किए होते हैं। आपने स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे अपनी जो कन्वर्सेशन है वो आपने फाइंड कर लेनी है। जैसा कि मैंने फाइंड करनी थी, ये फैसला आया था तो मैंने इसके साथ अपनी कन्वर्सेशन फाइंड कर ली है। इसमें हमारी ऑल डिटेल मीन्स कंप्लीट चैट यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पे मैंने मैसेजेस किए हुए हैं। देखें, नो प्रॉब्लम, थैंक्स चानी, समथिंग लाइक दैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वही मैसेजेस हैं जो हमने वहाँ पे सेंड किए थे। इसके बाद हमारे पास ये देखें एसएमएस का बैकअप आ गया है। अगर हम यहाँ से वो मैसेजेस डिलीट कर दें, फॉर एग्जांपल हम डिलीट डिलीट परमानेंट डिलीट सॉरी मैं मैसेज डिलीट करता हूँ तो इंडिविजुअली मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ मैसेजेस को। डिलीट मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ कुछ मैसेजेस को, तो होगा ये कि वो मैसेजेस मेरे पास ऑलरेडी बैकअप में मौजूद हैं तो मैं वहाँ से वो मैसेजेस देख सकता हूँ। अब जो वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखते हैं उनमें होता यह है कि वो आपके सामने एक और अगेन बैकअप क्रिएट करते हैं, लेकिन आपको जब वो बैकअप दिखाते हैं तो वो आपको पहले वाला बैकअप दिखाते हैं जो मैंने ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। वो आपको वो वाला बैकअप दिखाते हैं और आपको कहते हैं कि वो मैसेजेस वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हालांकि होता यह है कि वो मैसेजेस वहाँ पर नहीं होते। आप लोगों में से काफ़ी लोग ये बात कर रहे होंगे कि मैंने मैसेज रिकवर करने का मेथड नहीं बताया, हालांकि मैंने टाइटल में ये लिखा है कि हाउ टू रिकवर फेसबुक मैसेजेस, बट मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपने खुद ही उसका बैकअप क्रिएट करना है और आप खुद ही उसमें से जाकर अपने मैसेजेस ढूंढोगे और वहाँ पे फाइंड करोगे। और ऐसा कोई वे नहीं है कि आप उसका बैकअप भी क्रिएट नहीं करते और आप मैसेज को डिलीट करके उसको रिकवर कर लें। तो ये बात सच है और ये बात काफ़ी लोगों को कड़वी भी लगेगी, लेकिन ये बात सच है। और अगर आप को अभी भी यकीन नहीं है तो आप इंटरनेट पर सर्च करें, आप अपना डाटा भी वेस्ट करें और आप अपना टाइम भी वेस्ट करें, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर ये वीडियो याद आएगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।